ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से निसृत सत्संग प्रवचन, सत्संग वर्खा भाग 17, प्रवचन 3, नित्य सत्संग करने का फल, पार्ट 1। गुरु महाराज जी ने ये सत्संग प्रवचन स्पेन में किया था। गुरु महाराज जी कहते हैं, वास्तव में यहाँ स्पेन आने से पूर्व मेरा मन थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। अब जहाँ 2 महीने का काम हो, वहाँ फिर 1 महीने में कैसे पूर्ति होगी? ये तो ऐसा होगा कि किसी को पूरी रोटी दो और किसी को आधी। आपका प्रेम बहुत था, हमारा भी यहाँ आने का बहुत मन था। कहते हैं ना कि जहाँ जाए वहाँ प्रेमियों को तृप्त करना चाहिए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। आपके प्रेम और अनंत प्रकाश की कोशिश, इन दोनों के फल स्वरूप हम यहाँ पहुँच पाए हैं। आपके प्रेम को धन्यवाद है। गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे प्यारे संत दास और राधा कनाडा में रहते हैं। कोई एक गुरु का प्यारा यदि किसी शहर में रहता है तो सारा शहर आबाद हो जाता है। संतों के आने जाने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि एक प्यारे एक गुरुमुख ने देखो सारा शहर यानी कनाडा हरा भरा कर दिया है। इसलिए कहा जाता है, गुरुमुख विछड़िया भला। इसी बात पर गुरु महाराज ने एक प्रसंग सुनाया। गुरु नानक देव जी यात्रा के दौरान एक शहर में गए, साथ में भाई बाला और भाई मर्दाना भी थे। शहर के लोगों ने उनकी बहुत प्रेम से सेवा की, उनका भी रोम रोम प्रसन्न हुआ। जब गुरु नानक देव जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो प्रेमियों ने आकर चरण स्पर्श किया, उनसे प्रार्थना करने लगे, महाराज जाते जाते हमें आशीर्वाद करते जाइए। इस पर गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बाबा आप हमेशा एक दूसरे से बिछड़े रहो। भाई मर्दाने ने जब ऐसा सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा, साईं ये आप कौन सा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं? इतनी आपकी सेवा आदि की, इन्होंने आपकी इतनी सेवा आदि की और उसके जवाब में ऐसा आशीर्वाद? गुरु नानक देव जी ने कहा, इसका मतलब तुम्हें आगे चलकर समझाऊंगा। यात्रा करते करते फिर दूसरे नगर में आए, वहां के लोगों ने उनकी सेवा आदि नहीं की, न तो सेवा की और ना ही उन्हें प्यार व आदर दिया। उल्टा वे संतों को देखकर परेशान हो रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा, बाबा आप सभी यहीं आबाद रहें। जब शहर से थोड़ा बाहर निकले तो भाई कि आप यहीं आबाद रहो, ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, बाबा जिन्हें कहा आप यहीं आबाद रहो वे सब मूर्ख हैं, मनमुख हैं। वे जहां भी जाएंगे उस शहर को ही बिगाड़ देंगे। कम से कम यहां रहेंगे तो स्वयं बिगड़े रहेंगे, दूसरों को तो नहीं बिगाड़ेंगे ना। और जो सेवा कर रहे थे वे थे गुरुमुख। यदि उनमें से एक इंसान भी कहीं जाएगा तो वहां की भूमि को भी हरा भरा कर देगा। इसलिए उन्हें कहा गुरुमुख बिछड़िया भला। गुरु महाराज जी ने आगे कहा, कनाडा में एक ही परिवार है, वहां पर माता राधा के प्रेम के कारण उनका सारा परिवार ही प्रेमी बन गया है। प्रेम के कारण वे हमसे यहाँ भी मिलने आए हैं। यदि राधा माता न होती तो वे कैसे धर्म प्रेमी बनते? गुरु महाराज जी ने आगे कहा, एक प्रेमी 10 दूसरे प्रेमी तैयार कर सकता है, वे 10 फिर 100 प्रेमी बना सकते हैं, इस प्रकार फिर सारा शहर सुधर सकता है। कहा गया है, एक सत्ता मुल्क सुधारे। अर्थात आप सभी प्रेमियों को धन्यवाद है कि आपने सारे स्पेन में गुरु महाराज जी के नाम को रोशन कर दिया है। जहां जाते हैं वहां सुनने में आता है कि लास पाल्मास में प्रेमियों ने मिलकर गुरु महाराज जी का नया मंदिर बनवाया है, जिसका नाम रखा है सतनाम साक्षी मंदिर। आपका यश अमेरिका, लंदन व आसपास के कई शहरों में पहुंच गया है। ये सब आपके प्रेम का प्रताप है, आपकी उदारता का प्रताप है, जो आपने दिल खोलकर गुरु महाराज जी के इस मंदिर का निर्माण करवाया है। छोटे छोटे बाल गोपाल सभी इसी कार्य में सम्मिलित हुए हैं। उसी का फल ये निकला है कि आज संतों की मंडली का यहाँ शुभागमन हुआ है। आपको गुरु महाराज जी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की तरफ से यही आशीर्वाद है।
आप इससे भी अधिक शुभ कार्य करते रहें। आजकल तो कोई भी किसी के पास एक कदम भी चलकर नहीं जाता, परंतु ये सब आपका प्यार है जो इतनी दूर दूर से चलकर भी यहाँ संतों के दर्शन और सत्संग के लिए आए हैं। भगवान करे आपका ये प्रेम सदा कायम रहे। गुरु महाराज ने स्पेन के सभी प्रेमियों को आशीर्वाद दिया, भगवान करे आपका ये प्रेम सदा कायम रहे और अधिक बढ़ता रहे। तीनों लोकों में आपका यश फैले, यही आशीर्वाद है। आया आया दिलंतरन कदे हाल उन रावे, कदे हाल उन रावे। बोलिए सत गुरुदेव भगवान की जय।